ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 होंडा SP 125 BS6 वेरिएंट। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस आपको साइट्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे हमेशा की तरह। साथ में आपको अगर होंडा की किसी और बाइक का भी रिव्यू देखना है तो प्ले लिस्ट ऑप्शन ज़रूर विजिट करिएगा, वहाँ पे बहुत सारी बाइक्स इनकी ऑलरेडी रिव्यू कर रखी हैं। डिटेल आपको वॉकराउंड्स देखने को मिल जाएंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ अगर पूछना है तो आप नीचे कमेंट से पोस्ट कर सकते हो, उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश होगी। साथ में आपसे ये बोलना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक भी मिलेगा, अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो उसको विजिट कर सकते हैं। वैसे सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। यहाँ पे आप इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है वो आप देख रहे हैं अच्छे से पूरा, मैं आपको इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है क्लोज व्यू है वो मैं आपको दे देता हूँ। चलते हैं पास में, इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो आप चेक कर लीजिए, LED हेडलैम्प्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं। बाइफर्केशन आप बीच में देखते हो, क्रोम का यूसेज बहुत अच्छे से किया गया है इधर। डुअल कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं इसके अपर पार्ट में, देख सकते हो आप होंडा की ब्रांडिंग दी गई है स्टिकर में, बहुत ही एक रोबोटिक सा फील आता है। बाकी आप बताइएगा आपको इसका फ्रंट प्रोफाइल हेडलैम्प एरिया कैसा लग रहा है, अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छे से आप पूरा इसका जो फ्रंट प्रीव्यू है वो आप ले सकते हैं। चलते हैं, इसका जो व्हील एरिया है वो आपको चेक करा देते हैं। अलॉय व्हील्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका डिस्क ब्रेक हो गया देख लीजिए आराम से, बढ़िया से MRF के आपको टायर्स प्रोवाइड करे गए हैं। फ्रंट प्रोफाइल मैंने आपको अच्छे से दिखा दिए, अभी तक आपको अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, आपके व्यूज़ ऑटोमेटिकली हम लोग तक पहुंच जाते हैं। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको दिखाएंगे, वन फ्रेम व्यू में देने की कोशिश करता हूं इसके साइड प्रोफाइल का, अच्छे से आप पूरा इसका वन फ्रेम व्यू ले सकते हो। इधर आप अपने एक्सटेंशन देखते हैं अपने फ्यूल टैंक पे, तो इधर आपको थोड़ा सा बोल सकते हैं प्लास्टिक इंसर्ट या फाइबर इंसर्ट प्रोवाइड करा गया है। एक्सटेंशन बहुत आगे तक जाते हैं, होंडा की ब्रांडिंग आप देखते हैं क्रोम के ऊपर दी गई है, साथ में आपको ग्राफिक इंसर्ट भी प्रोवाइड करे गए हैं। नीचे तक पूरा आप अच्छे से व्यू ले सकते हो। अपना जो इंजन कंपार्टमेंट है वो आप चेक कर लीजिए, एक ही फिनिश पे दिया गया है, लगभग ग्लॉसी फिनिश यूज़ करी गई है। साथ में पीछे आते हैं तो आपका जो कार्बन फाइबर टेक्सचर फिनिश है वो आपको देखने को मिलती है। GT BS6 वेरिएंट है जैसे मैंने आपको बताया, SP125 की ब्रांडिंग स्टिकर फॉर्म में। कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं, अगर आप बाइक से देखते हैं पूरा जो इसका बोल सकते हैं कि रेड या मरून, अभी इतना लाइट नहीं है लेकिन फिर भी रेड ही बोलेंगे, ये आप देख सकते हैं रेड और कॉम्बिनेशंस ब्लैक के साथ बहुत अच्छा सा फील देते हैं बाइक को। इसका जो एग्जॉस्ट है वो आप चेक कर लीजिए, डुअल कॉम्बिनेशंस पे दिया गया है। क्रोम का जो इंसर्ट है वो भी प्रोवाइड करा गया ब्यूटिफिकेशन के लिए। आपका जो रियर व्हील है वो आप चेक कर लीजिए, इधर भी आपको अलॉय व्हील्स प्रोवाइड करे गए हैं। बैक प्रोफाइल अब आपको दिखाएंगे, बैक प्रोफाइल पूरा आप देख सकते हैं अच्छे से। इधर अपनी आप जो टेल लैंप है वो आप चेक कर लीजिए। अब जो बाइक का अदर साइड है वो भी आपको चेक करा देते हैं, अदर साइड का पूरा व्यू आपको मिलेगा। वैसे कोई चेंज होता नहीं है लेकिन दोनों साइड दिखाना हम लोग की ड्यूटी है, जिसमें अच्छे से पूरी बाइक आपको दिख जाए। शायद आप इसको आगे लेने वाले हैं, आप इसके प्रोबेबल बायर हैं, देख लीजिए आराम से बढ़िया से। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं कैमरा, इधर से भी पूरा व्यू आप ले सकते हो। अब चलते हैं, इसका जो अपर पार्ट है वो आपको चेक कराएंगे। अपर पार्ट आप देख सकते हैं पूरा, इधर आपका जो ग्रैब हैंडल है डस्की फिनिश पे दिया गया है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है, अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। इसके अलावा जो आपकी सीट्स हैं कोई बाइफर्केशन नहीं मिलता है, पिलन के लिए सीट आपको हाइटेड मिलती है, पूरी चेक कर लीजिए आराम से। आगे चलते हैं, इसका जो फ्यूल टैंक है वो आप पहले ऊपर तक पूरा मैं ऊपर कर देता हूँ कैमरा, अच्छे से देख लीजिए। एक्सटेंशंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है, सिंगल टोन इधर यूज़ करा गया, कोई भी डुअल कॉम्बिनेशन पेंट जॉब आपको देखने को नहीं मिल रहा है इधर। ये आपका फ्यूल इनटेक एरिया हो गया। थोड़ा सा मैं कैमरा साइड्स में मूव कर देता हूँ तो इधर आपको पूरा अच्छे से दिख जाएगा, इधर आप पूरा व्यू ले सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ और इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आपको चेक करा देते हैं। ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको देखने को मिल रहा है, नॉर्मल सिग्नलिंग हो गई, आपका फ्यूल इंडिकेटर है, साथ में स्पीडोमीटर है, आपका टाइम है, गियर इंडिकेटर है, जो बहुत लोग पूछते हैं वो आपको प्रोवाइड करा गया है। साथ में दो आपकी जो बटन है वो आपको दी गई हैं सेट है, और इधर आपका जो दोनों सेट ही दिए हैं सेट, और इधर भी आपकी सेट सिलेक्ट है, सॉरी ये सिलेक्ट है, ये आपकी सेट है, दो बटन्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं। थोड़ा इसको आप और अच्छे से देखना चाहते हो तो मैं थोड़ा कैमरा पीछे कर देता हूँ, अच्छे से पूरा आपको फ्रंट प्रोफाइल इसका दिख जाएगा, मतलब कि अपर पार्ट आपको दिख जाएगा, देख लीजिए। अब इसका जो हैंडल्स हैं वो आपको चेक करा देते हैं, ये आपकी पास लाइट हो गई, हाई बीम लो बीम हो गई, इंडिकेटर हो गया, हॉर्न हो गया, इधर आपका जो साइलेंट स्टार्टअप जो फीचर आ गया है और होंडा की बाइक्स में या स्कूटर में वो आपको दिया गया, साथ में यही आपका इंजन किल स्विच भी है। इधर दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको इसकी जितनी भी डिटेल थी सारी शेयर कर दी है साइड्स में शॉर्ट्स में। साथ में इसका जो हेडलैम्प है वो भी अब ऑन हो गया है तो उसका भी व्यू आप ले सकते हैं, नाइट टाइम में कभी मौका मिलेगा तो वो भी आपको दिखा देंगे। अभी तक आपको अगर दोस्तों बाइक अच्छी लगी है
तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ, देखते रहिए दोस्तों ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।